फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, तो फ्रेंड्स यहां पे मिल रहा है आपके लिए पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं, जहां अर्ली 2000 स्टूडेंट्स को मिला 20% ऑफ। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं पोस्ट 25 तो आपको मिलेगा 25% ऑफ। फ्रेंड्स आपके सामने तीन पैकेजेस हैं, बेसिक, प्रो और एडवांस। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी कंटेंट है, जो टेस्ट सीरीज है, वो एवरीथिंग सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो मंथ है वो डिफरेंट कर रहे हैं, यानी कि 3 मंथ का बेसिक है, प्रो 6 मंथ और एडवांस 12 मंथ का। ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है आपके लिए फ्रेंड्स, ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर देगा। अगर फ्रेंड्स आप पेन ड्राइव चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके आप पेन ड्राइव भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, तो 7023333675 इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी जान सकते हैं। साथ में आप मेल भी कर सकते हैं support@wifistudy.com के ऊपर। और अगर आपको SSC की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप www.wifistudy.com/SSC टाइप करके SSC की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में /wifistudy.com/banking टाइप करके बैंकिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वोकैब से, जो कि है बिहेस्ट। बिहेस्ट एक नाउन है, इसका मतलब है एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर, आदेश देना। तो अगर आप किसी को आदेश दे रहे हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसको अपन बोलते हैं बिहेस्ट। सिनोनिम देखिए इसके, कमांड, डिक्री, डिक्टेट, डायरेक्टिव, इंपेरेटिव, इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्डर। और इसके एंटोनिम से अपील, पेटिशन या फिर प्ली। सो फ्रेंड्स यहाँ के आप यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो डिक्री वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा इंपेरेटिव भी आप देख सकते हैं, बाकी एल्स सारे बहुत आसान वर्ड है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एट द प्रेसिडेंट बिहेस्ट द प्रिजनर विल बी पार्डन फॉर हिज क्राइम, यानी कि प्रेसिडेंट के आदेश पे क्या हुआ, प्रिजनर को उसके क्राइम के लिए उसको छोड़ दिया गया, पार्डन कर दिया गया। और इसका ओरिजिन फ्रेंड्स एक इंग्लिश वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड बिहेस्ट, वहां से इसका मतलब निकला है। साथ में देखते हैं इसके ट्रिक फ्रेंड्स, जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे सभी वोकैब बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे के सारे वोकैब आपको कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखते हैं आज की ट्रिक क्या है इस वर्ड की। चेस्ट पे मारने का बिहेस्ट देते हैं कोच। तो देखिए जब आपकी मार्शल आर्ट्स की कोचिंग होती है तब कोच आपको सिखाते हैं कि चेस्ट तक कैसे किक मारनी है, जैसे कि ये स्टूडेंट मार रहा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि चेस्ट पे मारने का बिहेस्ट देते हैं कोच, बिहेस्ट यानी कि ऑर्डर देते हैं कोच। ओके, तो इस तरीके से चेस्ट और बिहेस्ट दोनों को आप रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, जो अपने बाकी तरीके हैं रूट वर्ड, प्री, पोस्ट, सब बहुत पुराने हो चुके हैं, आप नहीं कर पाएंगे उससे इतने ज़्यादा वो क्या याद। ओके, तो इसलिए अपन जो बेसिक चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उन चीज़ों से अगर अपन रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। इसी तरीके से अपन इस वर्ड को याद कर सकते हैं, चेस्ट और बिहेस्ट, इन दोनों वर्ड को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि चेस्ट पर मारने का बिहेस्ट देते हैं कोच। सो फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है आज का। बॉयकॉट, बॉयकॉट एक वर्ब है फ्रेंड्स, और ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में, अपने कई बार टीवी के अंदर भी, बॉयकॉट करना। ओके, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे गांधी जी ने बॉयकॉट किया था सारे इंग्लिश ब्रिटिश गुड को। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। टू एंगेज इन ए कंसर्टेड रिफ्यूजल टू हैव डीलिंग विद अ पर्सन, स्टोर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, यूजुअली टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और टू प्रूव एक्सेप्टेंस और सर्टेन कंडीशंस, बहिष्कार करना। तो अगर आप किसी चीज़ का बहिष्कार करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बॉयकॉट करना। ओके, सिनोनिम देखिए इसके, रिफ्यूज, रिजेक्ट या फिर प्रोस्क्राइब, और एंटोनिम से कंप्लाई, एक्सेप्ट या फिर प्रूव। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। सिंस द एम्प्लॉइज हैड देयर इंश्योरेंस डिमांड मेट, दे हैव एंडेड द बॉयकॉट एंड नाउ रिटर्निंग टू वर्क, यानी कि एम्प्लॉयज को क्या हुआ, उनकी इंश्योरेंस की जो डिमांड थी वो फुलफिल हो गई, तो उन लोगों ने क्या किया, जो बॉयकॉट किया था वो छोड़ दिया और अपने काम पे वापस से लौट आए। अब इसके वर्ब फॉर्म्स देखते हैं, बायकॉट, बायकॉटेड एंड बायकॉटेड, और उसके रिलेटेड वर्ड क्या है, बायकॉट, जो कि सिंपल दोनों सेम मीनिंग है, यानी कि किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना। और इसका ओरिजिन देखते हैं फ्रेंड्स, इसका ओरिजिन एक कैप्टन चार्ल्स सी बायकॉट नाम के एक पर्सन है, ओके, जो कि आयरिश लैंड के एजेंट थे, उन वहाँ से इसका ओरिजिन निकला है। अब देखते हैं इसको ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है, देखिए बॉय को कॉट करके नौकरी से बायकॉट किया। अगर देखिए ये बच्चा है और दुकान पर क्या कर रहा है, स्टील कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो बॉय को क्या किया इस पर्सन ने, स्टोर कीपर ने कॉट किया, पकड़ लिया, बॉय को कॉट करके क्या कर दिया, उसको नौकरी से बॉयकॉट कर दिया, यानी कि उसको बहिष्कार कर दिया, उसको निकाल दिया। ओके, तो किसी चीज़ का बहिष्कार करना, उसको बॉयकॉट कर देना, एक ही बात है। तो बॉय को अगर आप कॉट कर लोगे चोरी करते हुए, तो उसको आप बहिष्कार ही करोगे। तो इस तरीके से अपन बॉय को कॉट से और बॉयकॉट से दोनों को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं अपन। ओके, बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, एक या दो बार भी अगर आप जनरली इस वर्ड को यूज़ करेंगे, अपने आसपास यूज़ करेंगे, तो ईजिली इसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स देखते हैं अपना तीसरा वर्ड क्या है, एग्रीवेट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है
फीलिंग रिसेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड, असंतुष्ट होना। तो कभी भी अगर आप किसी काम से, अपने किसी चीज से या फिर किसी के ट्रीट करने से असंतुष्ट हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं एग्रीवेट। इसके सिनोनिम्स देखिए, रिसेंटफुल, अफ्रॉन्टेड, इंडिग्नेंट, रिग्रेटलेस या फिर डिसकंटेंट, कंटेंटेड, और एंटोनिम्स इसके कंटेंटेड, हैप्पी या फिर प्लीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसेंटफुल एक तो वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स पेपर में, ओके, बैंकिंग असिस्ट सब जगह वर्ड आया है। साथ में इंडिग्नेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अफ्रॉन्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का मतलब क्या है? सेटिस्फाई नहीं होना, असंतुष्ट होना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आफ्टर हिज बॉस येल्ड एट हर फॉर नॉट फिनिशिंग द वर्क ऑन टाइम, द नेचर ऑफ हिज टोन वुड एग्री एनी एम्प्लॉय हु न्यू दैट नोबडी एल्स कुड हैव गॉटन द वर्क डन बाय दैट डेडलाइन। यानी कि जब उसके बॉयस ने उसके ऊपर बोला, चिल्लाया कि भाई आपने काम टाइम पे क्यों नहीं किया है, जिस टोन में उसने बोला था, जो वर्कर था, एम्प्लॉय था, वो बहुत ही असंतुष्ट हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि जो डेडलाइन उन्होंने दी है उस डेडलाइन पे काम करना बहुत मुश्किल है। अब इसके वर्क फॉर्म्स देखिए, एग्रीव, एग्रीव्ड एंड एग्रीव्ड, और उसके रिलेटेड वर्ड है एग्रीव, यानी कि टू बेडली मिसट्रीट, मेक अपसेट। तो किसी को मिसट्रीट करना और किसी को अपसेट कर देना, किसी को असंतुष्ट कर देना, कुछ ऐसा बोल देना कि वो बहुत ज़्यादा डिसेटिस्फाई हो जाए आपसे, ओके। अब देखते हैं इसके ट्रिक। एग्री नहीं हुए तो एग्रीवेट हुए। तो अगर देखिए, कोई एग्री नहीं होता तो कैसा होता है? असंतुष्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये श्रीलंका के कैप्टन थे, एम्पायर की बात के ऊपर ही एग्री नहीं हुए, तो ये कैसे हो गए? असंतुष्ट हो गए। हमेशा ये होता है क्रिकेट के अंदर, क्या होता है, अगर आप एम्पायर ने, आपने अपील करी, एम्पायर ने रिजेक्ट कर दिया, एग्री आपने, अगर एम्पायर ने एग्री नहीं किया है तो आप कैसे हो जाते हो? एग्रीव्ड हो जाते हो, यानी कि असंतुष्ट हो जाते हो। आपको लगता है नहीं, मैं ही सही हूँ, एम्पायर गलत है। तो इस तरीके से एग्री को अपन एग्रीव्ड से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी, आप कभी भी असंतुष्ट होते हो किसी चीज़ से, तो आप हमेशा ये एग्रीव्ड वर्ड को यूज़ करिए, आप कभी इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपना वर्ड क्या है, डिफाई। डिफाई क्या है? अपीयर टू बी चैलेंजिंग, ओपनली रेसिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, विरोध करना या अवज्ञा करना। तो डिफाई का मतलब है किसी चीज़ को अवज्ञा करना, किसी चीज़ को पालन नहीं करना, किसी चीज़ को उसको डिसोबे कर देना, उसको अपन बोलते हैं डिफाई। देखते हैं इसके सिनोनिम क्या है, डिसोबे, फ्लॉन्ट, चैलेंज, थ्रो डाउन द गटलेट, और एंटोनिम्स है कंप्लाई, ओबे, गिव इन या फिर इन सरेंडर। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए फ्लॉन्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी बहुत आसान है, देयर इज नथिंग इन इट, ठीक है। तो फ्लॉन्ट वर्ड का मतलब क्या है? किसी की अवज्ञा करना। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। टू डिफाई हर ऑड्स ऑफ गेटिंग कैंसर, शी डिसाइडेड टू एट ए वेजिटेरियन डाइट विच इन एंटी ऑक्सीडेंट। यानी कि वो क्या चाहती थी, जो उसके कैंसर होने के जो ऑड्स हैं, तरीके, उनको विरोध करना चाहती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो वेजिटेरियन बन जाएगी अपने डाइट के अंदर, था जो कि बहुत ही रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के अंदर। अब इसकी वर्क फॉर्म्स देखिए, डिफाई, डिफीड या फिर डिफाइड, और रिलेटेड वर्ड है डिफियंस, यानी कि अवहेलना करना, और ये लैटिन वर्ड है फ्रेंड, डिस का मतलब तो होता ही है एक्सप्रेस रिवर्सल, ओके, ये तो आपने रूट वर्ड से पढ़ा होगा, डिस का मतलब उल्टा होता है, फिटस, फिटस का मतलब हुआ फेथफुल, यानी कि जो फेथफुल नहीं है उसको अपन बोलते हैं डिफियंस। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। देना पड़ेगा फाइन अगर डिफियंस किया तो फाइन, डिफियंस, देखिए कितना सिमिलर वर्ड है। जैसे कि अगर आपने दो हेलमेट पहनने के लिए बोला गया है आपको और आप दो हेलमेट नहीं पहनते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? आप डिफियंस कर रहे हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा फाइन अगर डिफियंस किया तो, डिफियंस यानी कि आपने अगर किसी को डिसओबे किया तो, अगर किसी की बात आप नहीं मान रहे हो तो। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, कर्सरी। बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, बहुत बार आया पेपर में, एडजेक्टिव है ये, और इसका मतलब क्या, रैपिडली एंड ऑफन सुपरफिशियसली परफॉर्म और प्रोड्यूस, लापरवाह। तो जो लोग लापरवाह होते हैं, अपने काम के अंदर 100% नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको अपन कर्सरी कहते हैं। केयरलेस जो नेचर वाला लोग होते हैं उनको अपन कहते हैं कर्सरी। देखते हैं इसके सिनोनिम, कैजुअल, हस्ती, इनअटेंटिव या फिर केयरलेस, और इसके एंटोनिम से केयरफुल, डिटेल्ड या फिर अटेंटिव। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। आफ्टर डूइंग अ कर्सरी हेड काउंट, क्लियर रियलाइज दैट टू ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट इन द टेंट्स। यानी कि जब कर्सरी, आफ्टर डूइंग अ कर्सरी हेड काउंट, जब लापरवाह हेड काउंट हुआ, तो क्लियर को रियलाइज हुआ कि जो दो स्टूडेंट्स हैं वो टेंट के अंदर नहीं है। अब देखते हैं इसका ओरिजिन फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड है कर्सरस, उसका मतलब है ऑफ रनर, तो वहां से इसका ओरिजिन है, ओके। और अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। घर के अंदर बच्चे फ्रेंड्स आपके कई बार आपके लैपटॉप है उसको यूज करते होंगे, तो हमेशा क्या करते हैं, बहुत बेपरवाह तरीके से यूज करते हैं। तो कर्सर, बच्चे कर्सर ही चलाते हैं। देखिए कर्सर आता है, कभी भी कंप्यूटर ऑन करते हैं
तो कर्सर बच्चे चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं उनको पता नहीं होता है वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं, तो कैसे चलाते हैं बहुत ही लापरवाह होकर चलाते हैं, कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो कर्सर वर्ड को अगर अपन कर्सरी से रिलेट करें तो इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, ये बहुत बार किया होगा, आपने भी किया होगा, आपके घर में जो बच्चे हैं उन्होंने भी किया होगा कि अगर उनके हाथ में कंप्यूटर होता है तो कर्सर को बहुत ही कर्सरी लापरवाह तरीके से चलाते हैं। तो कर्सर को अगर आप कर्सरी से रिलेट कर लोगे फ्रेंड्स तो कभी इसका मीनिंग नहीं भूल पाओगे। देखते हैं अगला वर्ड क्या है अपना, रेनेज। रेनेज एक वर्ब है जिसका मतलब है गो बैक ऑन ए प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट, मुकरना। तो रेनेज यानी कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसी को प्रॉमिस किया है और अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, रेनेज कर रहे हो आप उसको। ओके, मुकर रहे हो अपनी बात से। सिनोनिम देखिए इसके, वेल्च, रिवर्स या फिर बैकआउट, और एंटोनिम से अडहर, फुलफिल या फिर कीप। ओके, तो ये अडहर यहाँ वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका एग्जांपल, द प्रॉपर्टी बेयर विल बी सूड इफ दे रेनेज ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो प्रॉपर्टी बेयर है वो क्या कर देगा, विल बी सूड, वो क्या कर देगा, आपको सू कर देगा अगर आप मुकर गए अपने टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, देखते हैं इसकी वर्ब क्या है, रेनेज, रेनेज्ड एंड रेनेज्ड, और उसके ओरिजिन कहां से, लैटिन वर्ड से फ्रेंड्स का रेनेज, री मतलब एक्सप्रेसिंग इंटेंस फोर्स एंड नेरेज मतलब डिनाई करना। ओके, यानी कि मुकरना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है, रेन आ गई तो रेनेज किया। ओके, तो रेन आ गई तो आपने क्या किया, रेनेज किया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ओके, और ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं लंच के लिए, डिनर के लिए, लेकिन रेन आ गई तो इस लड़की ने क्या किया, रेनेज कर दिया, यानी कि मना कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप रेन वर्ड को रेनेज से रिलेट कर सकते हैं और इसे आप हमेशा याद कर सकते हैं। ओके, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी के प्रॉमिस को मना कर रहे हो, किसी को नहीं जाने के लिए मना कर रहे हो जब आपने उसको हाँ बोला था, प्लीज़ यूज़ दिस वर्ड, आप इसको मीनिंग कभी नहीं भूलेंगे और साथ में आपके एग्जाम में भी ये वर्ड बहुत काम आने वाला है, रेनेज। ओके, तो रेन आ गई तो रेनेज किया। देखिए रेन और रेनेज कितने सिमिलर वर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना, वेज। वेज एक वर्ब है जिसका मतलब है कैरी ऑन अ वॉर और कैंपेन। तो कैंपेन वॉर को, किसी चीज को कैरी करना, जारी रखना, कंटिन्यू करना, उसको अपन बोलते हैं वेज। सिनोनिम इसके, एंगेज इन, कैरी ऑन, कंडक्ट, एग्जीक्यूट, अंडरटेक या फिर प्रैक्टिस या फिर प्रोसीड विद। और देखते हैं इसके एंटोनिम्स, सीज, हॉल्ट या फिर स्टॉप। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द सोल्जर वेज द कॉम्पैक्ट अंटिल दे वॉन इट, यानी कि सोल्जर ने जारी रखी अपनी लड़ाई तब तक वो जीत नहीं गए। और उसकी वर्ब फॉर्म से वेज, वेज्ड एंड वेज्ड। अब नाउ लेट्स सी द ट्रिक, देखिए वेजेस नहीं मिले तो वेज करेंगे। तो देखिए कितना सिमिलर वर्ड है, आपने वेज यानी कि जो पैसे मिलते हैं डेली के, अगर आपको किसी को पैसे मिलते हैं तो उसको अपन वेज बोलते हैं। ओके, तो ये वर्ड आपने सुना होगा हमेशा। अगर इसी वर्ड को अगर अपन इस वर्ड से लेट कर लेंगे तो आपको दूसरा मीनिंग आज पता लगेगा कि वेज का मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना भी होता है, चाहे वो वॉर हो चाहे वो कैंपेन हो। जैसे कि ये प्रोटेस्टर है, ओके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको वेजेस नहीं मिले, तो ये क्या बोल रहे हैं, वेजेस नहीं मिले तो हम वेज करेंगे, यानी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वेजेस और वेज देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है, एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है, दूसरे का आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक ही वर्ड के दो मीनिंग हो गए, अगर पेपर में कुछ भी आता है तो आप इजीली इसका आंसर सही निकालेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी एक नाउन है और उसका मतलब है नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप, नजदीकी। तो अगर किसी के पास में आप नज़दीक हो, या आपके टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, स्पेस के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी वर्ड है ये तीनों जगह यूज होता है। इसके सिनोनिम देखिए, क्लोजनेस, नियरनेस, जक्स्टापोजिशन या फिर प्रोक्सिमिटी। तो और एंटोनिम्स है इसके, डिस्टेंस, रिमोटनेस या फिर अलूफनेस। तो ये दोनों तीनों वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पेपर में कई बार फ्रिक्वेंटली ये वर्ड यूज हुए हैं और पेपर में बहुत बार आए। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द टाउन प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू आर वेरी हाई, यानी कि जो टाउन है, ओके, वो बहुत ही नज़दीक है मार्केट के, इसीलिए उसकी जो प्रॉपर्टी है टाउन की वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब इसकी ओरिजिन लैटिन वर्ड से है प्रॉक्सिमस, इसका मतलब है नियरेस्ट। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है फ्रेंड्स। देखिए प्रॉक्सी अटेंडेंस सिर्फ प्रॉक्सिमिटी वाले लोग ही लगाते हैं, तो अगर आप कॉलेज में फ्रेंड्स आप गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हमेशा आप प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवाते हैं। ओके, यानी कि आप होते नहीं हो लेकिन आपकी आवाज़ में आपका दोस्त आपकी अटेंडेंस लगाता है। तो ये प्रॉक्सी अटेंडेंस सिर्फ वही लोग लगाते हैं जो कि आपके बहुत ही प्रॉक्सिमिटी होते हैं, यानी कि आपके बहुत ही नज़दीक होते हैं, आपके जो क्लोज दोस्त हैं वही ऐसा रिस्क लेने का काम करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं करेगा। तो इसी तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि प्रॉक्सी अटेंडेंस सिर्फ प्रॉक्सिमिटी लोग ही लगाते हैं। प्रॉक्सिमिटी यानी कि नज़दीकी, जो आपके नज़दीक लोग हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, वही आपके सिर्फ प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाएंगे। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, विकैरियस। विकैरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एक्सपीरियंस इन द इमेजिनेशन थ्रू द फीलिंग और एक्शन ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि किसी दूसरे की फीलिंग से, काम से, एक्ट से अगर आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उसको विकैरियस अपन कहते हैं। सिनोनिम देखिए इसके, इनडायरेक्ट, सरोगेट, सब्स्टिट्यूट या फिर बिप्रॉक्सी। तो यहाँ पे सरोगेट वर्ड आपको ध्यान रखना है, सरोगेट मदर जैसे होती है वैसे ही आप इस वर्ड को उस तरीके से याद कर सकते हैं।
देखते हैं इसका एग्जाम्पल. एज माई डॉटर वॉज क्राउंड द विनर ऑफ द ब्यूटी पेजेंट आई फील विकैरियस एक्साइटमेंट. यानी कि जब मेरी डॉटर ने जीती विनर बनी ब्यूटी पेजेंट की तो मुझे कैसा फील हुआ? बहुत ही बढ़िया फील हुआ, विकैरियस एक्साइटमेंट. ओके, बहुत अच्छा फील हुआ बिकॉज ऑफ द अदर वन पर्सन एक्ट, यानी कि मेरी बेटी के एक्ट की वजह से. अब रिलेटिव वर्ड देखिए, विकैरियसली यानी कि स्थानापत्र रूप से, और ये एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से इसका मतलब निकला है विकैरियस यानी सब्स्टिट्यूट. अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है. लाइफ में वेरियस चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं विकैरियस तरीके से. तो लाइफ में आप वेरियस चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वेरियस को मैं विकैरियस से रिलेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मैं किसी से रिलेट कर रहा हूँ और आपको भी वैसे ही करना है फ्रेंड्स. अगर आपको जनरली यूज़ करेंगे इसको आसपास अपने तो कभी नहीं भूल पाएंगे. तो वेरियस को अपन विकैरियस से रिलेट कर रहे हैं. लाइफ में आप हमेशा अपने ही एक्ट से नहीं सीखते हो, आप अपने दोस्त हैं, आपके फैमिली है, वो जो काम करते हैं उससे भी आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो. ओके, तो दूसरे के एक्ट से कोई चीज़ एक्सपीरियंस लेना उसको भी अपन विकैरियस कहते हैं. तो यानी कि लाइफ में हम वेरियस चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं विकैरियस तरीके से, यानी कि किस तरीके से, दूसरों की काम करने की वजह से. ओके, तो इस तरीके से वेरियस और विकैरियस को आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा. देखते हैं अपना लास्ट वर्ड क्या है आज का, वो है प्रिसाइड ओवर. एक फ्रेजल वर्ब है और देखते हैं फ्रेंड्स इसका मीनिंग है टू ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल. तो यानी कि संचालन करना. अब इसके सिनोनिम देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्ट, सुपरवाइज, कंडक्ट करना या फिर ऑफिशिएट करना. देखते हैं इसका एग्जांपल. द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर द कमिटी मीटिंग बिकॉज द प्रेसिडेंट वॉज एबसेंट. यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने क्या किया, संचालन किया किसका, कमिटी का, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो एबसेंट थे. अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म, प्रिसाइड ओवर, प्रिसाइडेड ओवर एंड प्रिसाइडेड ओवर. उसका ओरिजिन फ्रेंड्स लैटिन वर्ड से है. ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है. प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिसाइड ओवर करते हैं. ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वही संचालन करते हैं किसी काम का, वही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. तो इस तरीके से प्रेसिडेंट वर्ड से ही आप प्रिसाइड ओवर का मीनिंग निकाल सकते हैं. ओके, ये भी पेपर में कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, ये वर्ड जो है प्रिसाइड ओवर. ओके, ये फ्रेजल वर्ब है. तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि उसका संचालन करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं. ओके, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको इजीली याद हो जाए. आज अपने जो वर्ड्स कवर अप कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे वर्ड है और इसमें से काफ़ी बार पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, तो अपना जो आज का पहला वर्ड था वो था बिहेस्ट, यानी कि चेस पे मारने का बिहेस्ट देते हैं कोच, यानी कि आपको आदेश देते हैं. दूसरा था बायकॉट, बच्चे ने बॉय को कॉट करके नौकरी से बायकॉट किया, यानी कि उसका बहिष्कार किया. तीसरा वर्ड था एग्री नहीं हुए तो एग्रीवेट हुए, यानी कि असंतुष्ट हुए. चौथा था अपना देना पड़ेगा फाइन अगर डिफेंस किया तो, डिफेंस यानी कि अगर आपने विरोध किया तो. कर्सर बच्चे कर्सरी चलाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होकर चलाते हैं. वेन आ गई रेनेज किया, वेन आ गई तो रेनेज किया, यानी कि आपने मना किया कहीं जाने के लिए. वेजेस नहीं मिले तो वेज करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखने को बोलते हैं. प्रॉक्सी अटेंडेंस, प्रॉक्सिमिटी लोग ही लगाते हैं, यानी कि जो आपके नज़दीक लोग हैं सिर्फ वही लगाते हैं. लाइफ में वेरियस चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं विकैरियस तरीके से, यानी कि दूसरों के तरीके से भी अपन सीखते हैं. और अपना लास्ट वर्ड था प्रिसाइड ओवर, प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि वो उसका संचालन करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने वर्ड्स और अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे. हमने आपसे एक सिनोनिम पूछा था, ओके, मोस्ट सिमिलर वर्ड पूछा था अटैक्सी का, ATAXIA. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर था फ्रेंड्स वो बहुत लोगों ने सही दिया, वी आर वेरी हैप्पी विद इट कि आप ट्राई कर रहे हैं, यू आर गिविंग योर बेस्ट. और आपका जो आंसर था वो था डी, डिसऑर्डर. ओके, यहाँ पे बाकी के जो मीनिंग है वो देखते हैं अपन. डिलेमा यानी कि कंफ्यूज रहना, आपको समझ नहीं आना कोई भी चीज़, उसको अपन डिलेमा बोलते हैं. ओके, दुविधा में रहना एक्चुअली. कामनेस बहुत ईजी वर्ड है. हेजेमनी यानी कि किसी देश का दूसरे देश पे कंट्रोल करना. और डिसऑर्डर आपको बताइए अव्यवस्थित करना. ओके, तो ये आज के आपके ये अपने क्वेश्चन ऑफ द डे था 11th मे का. और आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है अपना. सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो आज हमने आपसे एंटोनिम पूछा है फ्रेंड्स. ओके, आपका जो वर्ड है वो स्लैप डैश. और आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, एंड यू नीड टू गिव द आंसर वाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड. डजंट मैटर यू आर गिविंग द राइट और रॉन्ग, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू एटलीस्ट ट्राई इट. अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आप उस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें. और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लाते रहते हैं. शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद.